राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? तो अभी कर रहे हैं हम थोड़ा सा घर की सेटिंग, थोड़ा सा, क्योंकि हमें एक रूम तैयार करना है दीदियों के लिए, जहाँ पे वो आराम से रह सकें, अपना अपना सामान रख सके। तो उसके लिए हमें एक रूम तैयार करना है बिल्कुल से। वो है हनी वाला रूम हमने जो तैयार किया है, क्योंकि हनी फिर 2-3 दिन पार वाले घर में रह लेगा। वैसे यहाँ पे भी है, लेकिन फिर जो जो भी रहेगा ना पार, जो जो का डर रहता है, जो जो काटने का डर रहता है, जो जो काटता है। देखिए यहाँ पे फ्रिज हमने यहाँ पे लेके आ गया हूँ फ्रिज को, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लगा दिया हमने अपना फ्रिज। काफ़ी बड़ा फ्रिज है हमारे पास, पर हम यूज़ बहुत कम करते हैं। देखो कितनी हाइट है इसकी, 5 फुट हाइट है इसके फ्रिज की, बड़ा सारा। तो ये देखिए यहाँ पे सारा पड़ा हुआ कूड़ा कबाड़। मशीन है अंदर को चक, अपनी शर्ट शर्ट चक के साथ है। और आराम से आराम से। मंदिर थी ठीक है, अपने हाथों नहीं दस दी। नहीं ये यहीं पे ठीक है, बिल्कुल ओके यहाँ पे। और हटाई देनी और कर दे, बीच गैप कौन रख रहा? तार नहीं लंबी तार। अबे ये नहीं आउनी है, आन दे इतनी ढीली थी ये। इतनी कर दे बोले दे। तो यहाँ पे अब मैं कपड़े लगी थी धोने, ये वाला दुपट्टा कॉटन का है, ये मेरे सूट के साथ के दुपट्टे रह जाते हैं, क्योंकि मैं सूट के साथ के जब धाटू पहनती हूँ ना मैं, तो दुपट्टे मेरे सारे वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। और अभी हनी भी चला गया था अपने काम से, और मैं यहाँ पे बस लगी थी अपने कपड़ों का, कुछ धो दिए थे कुछ। अच्छा हुआ क्या कि जब मैंने भी कप में उठी, पहले मैंने, मेरी तबीयत सही थी नहीं तो क्या बोलूँ, फिर मैंने गोली खाई, मैंने कहा बस कल का दिन है हमारे पास और आज और कल ही है जो भी है। वैसे तो ऐसा नहीं है, लेकिन पता क्या एक बहाना भी हो जाता है ना, और कपड़े तो वैसे भी धोते हैं। मैंने कहा चलो तय वगैरह लगा के रख देंगे, तो चादरें चुदरें सब, मतलब आजकल तो पता नहीं और लोग तो रोज़ धोते होंगे या 30 दिन पर, मैं तो 8वें दिन या 15वें दिन धोती हूँ बेडशीट, झूठ नहीं बोलना, रोज़ नहीं धोई जाती। अब तो पहले तो मैं धो भी देती थी हफ्ते का, अब हफ्ता भी बहुत मुश्किल से धोती हूँ, 15 दिन हो जाते हैं कम से कम, क्या करें अब नहीं होता भाई। तो बस फटाफट से मैं कपड़े वगैरह को बोल रही थी, मैंने कहा कुछ रह गया हो तो वो भी पकड़ा देना मेरे पास। और अनेक पापा पानी ला रहे थे बाहर, फिर मैं, और पानी चला गया था, सबसे बड़ी दिक्कत कपड़े कैसे धोएं, पानी नहीं होता, तो फिर मैं बहुत कम पानी खर्च करके जो है धो रही थी, कर रही थी साफ़ सफाई कपड़ों की, और बहुत तेज़ की हवा चली थी। फिर मैं लास्ट में मैंने इन कपड़ों को भी धो दिया था अपने, इनको भी रख दिया था निकाल के, क्या चलो ये इतने कंफर्टेबल है ना मेरे को, खुले बिल्कुल बिल्कुल खुले हैं, और है तो रंगीन का, थोड़ा सा इस तरह का ना ये हो जाता है, गंदे जल्दी हो जाते हैं, पर ये है कि बढ़िया रहते हैं। उसके बाद फिर मैंने कपड़े चेंज करके फिर यहाँ पे मैंने इनको भी डाल दिया था, जो मैंने पहन रखे थे उनको भी डाल दिया था, बीच में बहुत सारे धोए सूखने भी डाले, लास्ट में ये कंबल बचा था। ये कंबल एक्चुअली कंबल नहीं है, ये कंबल का कवर है बाहर का, तो ये देखो अब मैं रख दूंगी कंबल कुंबल सारे, अब इनको नहीं ओढ़ना है भाई। और तो अभी पता नहीं 1 बज गया कि 2 बज गए, और मैं धो रही हूँ यहाँ पे कपड़े, ये टेबल का कपड़ा है, एक चादर। और बता एक चीज़ बताऊँ आपको, इस वाला तकिए का कवर दूसरे वाला फिर से गायब है, बस एक ही मिल रहा है, और दूसरी बार मैंने उसको ढूंढा, दूसरी चादर है, तीसरी आगे एक और है,
और मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मेरे को कहीं नहीं। अंदर दिखाती हूँ मैं आपको, एक कंबल का गिलाफ रहा मेरे को, एक कंबल का गिलाफ रहा अभी मैं। आज आंखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, अभी उठी हूँ मैं दवाई वगैरह खा के और अब कमरा दिखाती हूँ। फिलहाल तो कमरे की, ये वाले कमरे में कर दिया है सारा इकट्ठा, बस एक ही कमरे की सफाई हुई है अभी तक, अभी हो रही है। ये देखो इस वाले रूम की सफाई मतलब हो ही गई समझो, ये वाला रूम करेंगे हम दीदियों के लिए तैयार। तो यहाँ पे तो हो ही गया है, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, चादर वगैरह बिछानी है तकिए के खिलाफ, बाकी यहाँ पे ऑलमोस्ट कर ही दिया है। देखो अलमारी यहाँ आगे जैसे से दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो कितना साफ सुथरा हो गया ना शीशा। और मेरा फ़ोन दिख रहा है, ये मेरा फ़ोन, इस तरह से शूट करते हैं। सारी अलमारी भी इन्होंने खाली कर दी है। अरे बस चलिए अभी थोड़े से रह गया बस, और ये तो करना ही है, ये बस ये रह गया। और पता है तो मुश्किल होती है यार, पता है क्या है किस चीज़ की, वो तो थोड़ा सा और रह गया काम, फिर करती हूँ रेस्ट में। सांझ का धुआं लाया था सारे घरों की बर्बादी, इन्होंने नीचे सफाई कर रहे हैं ना, इतना धुआं लगा रखा है ना, क्या बताऊं मैं आपको। ये ओरिजिनल वॉइस इतनी अच्छी लगती है ना पानी की, एक बाल्टी और लिया हुआ। अभी यहाँ पे बरंडे में पानी की बाल्टियाँ फेंकनी पड़ेगी बस, फिर हो गए तो हो गए ख़त्म, कपड़े धो गए बस। ये लास्ट में कंबल थोड़ा सा सुखाया, ज़्यादा तो नहीं सुखाया, फूल रहा था इसमें और ये बहुत बड़ा हो जा रहा था, ये भी सूख गया साथ में। ओ भाई नीचे तो नहीं गिर गया, तो ये तो बिल्कुल ही सूख गए, इनका तो क्या सुखाना। अब मशीन धोती हूँ, थोड़ी सी आगे टॉयलेट धोती हूँ और फिर हो गया ये यहाँ का काम तो हो गया, बस फिर कमरों की सफाई रही करने को, बहुत है अभी भी। तो चलो अभी सूख में डाल देते हैं, सूख तो गया है ये, इनको सूखने की जरूरत है नहीं वैसे ज़्यादा, डाल देते हैं कमर को थोड़ा थोड़ा गिरा है। गर्मियों में साफ सफाई भी हो जाती है और मेहमानों का तो एक बहाना होता है, लेकिन पूरी गर्मियों के लिए साफ सफाई बढ़िया रहती है। आजकल होता है ना गर्मी में बहुत ज्यादा डर रहता है हर चीज का, छोटी मोटी चीजों का। तो चलो अब यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड, और मैं पानी की बाल्टी लाती हूँ, नहीं एंड नहीं वो भी दिखा देती हूँ आपको धोते हुए ना, रुको मशीन भी तो धोनी है।
नहीं फिर इस वीडियो को एंड करती हूँ, दूसरी वीडियो शुरू करती हूँ। आंखों में बहुत दर्द हो रही थी आज, बहुत ज़्यादा जलन दर्द, और बारिश का कोई पता नहीं, बारिश कभी भी आ जा सकती है, और मेरी कणक अभी खेतों में ही है, तो क्या करना। चलो तो जय माता दी, राम राम। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, भगवान आप सबका कल्याण करे। जय माता दी।